राधे राधे दोस्तों, इस कृष्ण वाणी में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी आपने किसी तितली को देखा है? देखा ही होगा, अच्छी तो लगती है। वो तितली हर किसी को भाती है। ये तितली भला किसको नहीं भाती, छोटे हो या बड़े, ये सबको लुभाती है। अब सोचिए, इस तितली का जन्म कहाँ से होता है? इस तितली का आरंभ वहाँ से होता है, एक छोटे से अंक से। उस अंक को तोड़कर जब इस संसार में आती है तो एक कीट के रूप में आती है। कीट जो भूमि पर रेंगता है और वो पत्तों पर सुरक्षित रहता है। कुछ समय बाद उसमें होता है एक और परिवर्तन, जिससे उसमें पंख निकल आते हैं। तब वो तितली बनती है, फिर इसके बाद वो आकाश में उड़ान भरती है। तब जाके वो सुंदर पुष्पों पर आनंद रहती है। कभी आपने सोचा है ऐसा तितली ही क्यों कर पाती है और कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो तितली उस अंग से बाहर निकल पाती है। अगर वो उस अंग से बाहर नहीं निकल पाती तो वो कभी उड़ ही ना पाती और ना ही वह तितली बन पाती। और यही होता है हम मनुष्यों के साथ। हम सदैव वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है। हम सदैव सुरक्षा चक्र में रहना चाहते हैं, जिससे हमारी विकास नहीं हो पाती। विकास सुरक्षा सीमा को लांघने पर ही आती है। यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इस सुरक्षा चक्र को भूल जाइए। इस सुरक्षा सीमा को लांघिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। कष्टों का सामना करिए, कठिनाइयों का सामना करिए। साहस के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप और अत्यधिक शक्तिशाली बने, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। फिर इसके बाद तभी ही आपके भी पंख निकल पाएंगे। फिर आप इस धरा से आसमान तक उड़ान भर पाओगे। ये कृष्णवाणी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। मिलती हूँ एक नए कृष्णवाणी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।